गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक, आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन रिवीजन सेट 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सेकेंड स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड व्हाई डज डस्ट फ्लाई ऑफ व्हेन कारपेट इज हिट विथ स्टिक्स। फोर्थ हाउ डज अ क्रिकेटर अवॉइड गेटिंग हॉट व्हाइल द कैचिंग अ बॉल। फिफ्थ व्हेन ब्रांच ऑफ ट्री सेकेंड वेग्रोसली रेड फ्रूट्स स्टार्ट फॉलिंग व्हाई। सिक्स नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द इनर्शिया। सेवन व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉल ऑफ गन। एट नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर एज न्यूटन पर केजी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सेकेंड अ बाइसिकल स्टॉप इफ यू स्टॉप पैडलिंग व्हाई एक्सप्लेन। थर्ड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच रॉकेट वर्क्स। फोर्थ व्हाट हैपन इफ द माउथ ऑफ एन इनफ्लेटेड बैलून इज अनटाइड एक्सप्लेन। फिफ्थ इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जीरो इफ नॉट व्हाई एक्सप्लेन। सिक्स एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस। सेवन स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड हेंस डिफाइन फोर्स। एट सैंड इज थ्रोन ऑन रोड्स कवर विथ स्नो एक्सप्लेन व्हाई। नाइन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट व्हाई कैन नॉट बी कैंसिल ईच अदर। टेन व्हाई डज अ हैवी गन नॉट रिकॉल सो स्ट्रांगली एज लाइट गन पिस्टन द सेम बुलेट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट व्हाट इज द इनर्शिया डिफाइन एंड एक्सप्लेन द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया। सेकेंड व्हाट इज मोमेंटम राइट द एसआई यूनिट ड्रॉ द फॉलो ग्राफ। फर्स्ट मोमेंटम वेरीज वेलोसिटी व्हेन मास इज केप्ट कॉन्स्टेंट। सेकेंड मोमेंटम वेरीज मास व्हेन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। थर्ड स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सो दैट एफ इक्वल टू एम ए। फोर्थ स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग द ड्राइव दिस ड्राइव एंड एक्सप्रेशन। फिफ्थ स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग द डिस्कस द मोशन ऑफ हॉर्स कार्ट सिस्टम। सिक्स अ कार मास 1000 केजी मूविंग विथ द वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर स्टॉप इन 5 सेकेंड कैलकुलेट द फोर्स अप्लाई बाय द ब्रेक्स। सेवन अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 5 केजी कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 8 A object of mass 5 kg is kept at rest. A force of 20 newton act on it for 5 seconds. Find the distance traveled by the object in 10 seconds. Question number 9. A force of 10 newton starts acting on a body kept at rest. Find the momentum of the body at 5 seconds after the force start acting. यहाँ कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 केजी इज एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन गिव्स अ मास एम ऑन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास एम टू एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इट गिव इफ बोथ ऑफ द मास आर टाइड टूगेदर। क्वेश्चन नंबर 3 अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 केजी डिस्प्लेस इट
through 4 meter in 2 second. Find the magnitude of force if the initial velocity of object is 0. Question 4. Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line, but in opposite direction. The velocity of each object is 2 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be velocity of the combined object after the collision? Question number 5. Explain some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. 6th question. Explain why is it difficult for a free fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high